इस वक्त हम मौजूद हैं सरजानी टाउन के अंदर, ये सैफुल मरी गोट के अंदर। यहाँ पर अक्सर बेशतर जो है प्लाटों पे कब्जा हो जाता है। एक साहब मेरे साथ खड़े हुए, इन्होंने हमसे कंप्लेन करी थी। एक साहब और भी हैं, हम उनसे भी बात कराएंगे। इनके प्लाट पे जो है वो कब्ज़ा हो चुका है। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इन्होंने प्लाट कब लिया था, किससे लिया था और कब्ज़ा किसने किया है, कौन लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने प्लाट कब लिया था? तकरीबन 1.5 साल पहले। कहाँ लिया था? सैफुल मरी गोट पे। सैफुल मरी कायदे आजम स्कूल के सामने। कायदे आजम स्कूल के सामने पहली गली में। अच्छा, 1 साल पहले लिया था जी। तो आपको कब पता चला कि आपके प्लाट पे कब्जा हो चुका है? मुझे कल पता चला। कल पता चला जी। अच्छा, तो फिर आपने कानून की मदद ली? कल पता चला, तो इसके बाद फिर कानून की मदद लेंगे। इससे पहले तो मुझे पता नहीं चला था ना। ये उनका नाम है शालम नाम का बंदा एक है, उसने जो ना कब्जा किया हमारा प्लाट। किसने कब्जा किया? शालम नाम के ना बंदा है। अच्छा, तो आप उनसे मिले? उससे मिला नहीं हूँ। इससे पहले हमारी उससे बात हुई थी, तो उसको बोला था कि ये प्लाट मेरा है। उसको क्या नाम है, फैसल भाई को मैंने बोला, फैसल भाई इसका मसला हल कर दूँगा। मसला जो है इसका हल हो गया था, बीच में जो ना मसला बिल्कुल क्लियर हो गया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर जो ना इन्होंने जो ना कल में आया तो देखा कि जो ना प्लाट पे जो नाम चार दीवारी भी किया हुआ, जो कमरा बना हुआ, मैं परेशान हुआ। तो आप चाहते हैं कि आपका प्लाट जो है आपके पास आ जाए, आपके इदारों से कोई अपील करेंगे? बिल्कुल करूँगा, मैं इदारों से यही कोई अपील करूँगा कि आप मेरा जो प्लाट जो मुझे वापस आ जाए। किसी जो है ना इदारों की बड़ी मेहरबानी होगी। मैं गरीब आदमी हूँ, एक जगह कमाने वाला हूँ। छोटे बच्चे हमारे साथ जो ना पढ़ रहे हैं, बच्चे हमारे लिए सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे स्कूल में मोहम्मद असलम जी नाजरीन, आपने देखा ये मोहम्मद असलम साहब हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत मुशक्क़त से जो है अपना प्लाट ख़रीदा था, जिसके ऊपर जो है क्या कहते हैं कुछ लैंड ग्रेबर हैं, जैसे कि इन्होंने नाम लिया शालम। तो ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ इदारों को चाहिए बिल्कुल कार्रवाई करें। हम कोशिश करेंगे इनके प्लाट पर भी जाएँ, उनसे बातचीत करेंगे इनके प्लाट पर किसने कब्ज़ा किया। एक साफ हो रहे जिनके प्लाट पर कब्ज़ा हुआ है, हम उनको भी बुलाएंगे जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्लाट लिया हुआ है ताकि मैं 8 साल पहले मैंने अमजद भाई से हरीफ भाई से प्लाट लिया था। मैंने जफर नाम का बंदा है जो अभी आया चंद दिनों में यहाँ पर नजर आने लगा। मैं इसके पैसे दे दूंगा, ये प्लाट दे दूंगा, इसके बाद यहाँ पे और प्लाट दे दूंगा। मेरा मुतालबा सिर्फ इतना है कि मुझे मेरा प्लाट दे दिया जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जो भी करूँगा मैं कुछ कर दूंगा, मुझे मेरा प्लाट दे दीजिए। तो आपका जो है क्या कहते हैं प्लाट जब कब्जा हुआ तो आपने इदारों में एप्लीकेशन दी? मैं थाने में गया था ये एप्लीकेशन लगाने, उसकी मैंने कॉपी दी थी सलमान भाई को, वो कॉपी बस मैं उनसे ले नहीं सका। तो उन्होंने मुझे जला दिया कि नहीं है यार खो गई। वो इस तरह नदीम भाई हैं, उनके पास उन्होंने नाम लिया, उनसे मालूम किया, उन्होंने रख के बोल रही तो शायद व्हाट्सएप में मेरे कहीं फ्यूचर में मिल जाए। तो इदारों में साथ अपील करेंगे चीफ जस्टिस साहब से, इमरान खान साहब से कुछ कहेंगे? इमरान खान साहब से मेरा इतना कहना है कि गरीब आदमी के साथ इंसान करो, आपकी पार्टी तरीके के इंसान आपने नाम रखा है, कम से कम अच्छा हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। गरीब आदमी परेशान है, खासतौर पर कराची शहर में, सिंध के अंदर गरीब आदमी बड़ा परेशान है, नौकरियों के लिए, हर चीज़ के लिए, अपने रोजगार से होता है। ये लोग समझते नहीं है, परेशान किया हुआ है। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद
वकास। जी नाज़रीन, आपने देखा ये मोहम्मद वकास भाई हैं। जैसे कि अभी एक भाई से हमारी बातचीत हुई थी और हमने कोशिश करी थी कि आवाम तक, हमारा काम होता है सिर्फ इदारों को दिखाना, बाकी इदारों का काम होता है अमल करना। ये जो लोग भी हैं इनके लिए फिलफौर कार्रवाई की जाए और अब हम कोशिश करेंगे इनके फ्लैट पर जाएँ और फ्लैट पर जाने के बाद जो है इनकी जो है इदारों तक रसाई हो, सुनवाई हो। शुक्रिया। हम उस जगह पे आ गए हैं जो एक गरीब इंसान का फ्लैट कब्जा हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी पूछा जाए जिन लोग अंदर बैठे हुए, और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग हैं, क्या है। आओ जरा दिखाते हैं, कैमरामैन से बोलेंगे कि ये दिखाएं, ये वो जगह है जिस पर लैंड माफिया ने कब्जा करके मकान पे और ये देख सकते हैं ये ताला डाला हुआ है। ठीक है, ये हम मौजूद हैं इस जगह पे और वल्ला आलम फैमिली अंदर है या नहीं इस चीज़ का तो हमें नहीं पता। ये इधर आइए फैमिली, कल हम मैं आ जा कल। ये आप ज़रा हमारे नाज़रीन को और देखने वालों को बताएं कि आपने जो है ये कितने अरसे पहले लिया था, कन्फर्म बात बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मैं मकान ये तकरीबन डेढ़ साल पहले लिया था असल भाई से। तकरीबन ये जो है ना डेढ़ साल तक हमारे मेरे कब्जे में था ये प्लाट। कल मैं आया तो आके देखा कि जो है ना चार दीवारी भी किया हुआ, इसमें जो दो कमरा बना हुआ है। फिर मैं इनसे पूछा भाई ये क्या मसला है, तो इन्होंने बोला आपको जो भी बात करना आप जो है ना शालम भाई से करो। हमने जो है ना शालम भाई ने हमें बैठाया यहाँ पे। फिर मैं अपने गया जिस बंदे से मैंने प्लाट लिया था उसके पास गया, उनके पास गया, उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि तुम खबर करो, मैं तुम्हारा मसला जो है अच्छे करके आता हूँ। तो आज आप लोग आए हैं, आप लोग मसला हल कीजिए। हम गरीब आदमी हैं, बेरोजगार भी हैं, हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा हमारा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, एक बेटी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, एक बेटा मैट्रिक में है, बहुत परेशान है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इतना बेबसी का आलम है कि ये साहब अपने दिल से बयान कर रहे हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चे बड़ी मुश्किल से और मेहनत करके इन्होंने ये जमा कुंजी अपने जो है ली थी और अब कोई पुरसान हाल नहीं है। अब जो है हम कोशिश करेंगे इनकी आवाज़ जो है इदारों तक पहुँचाए और इनका जो मकान है वो इनको दिया जाए, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत से ये मकान हासिल किया है। लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। बेरोजगार आप बेरोजगार हैं? ठीक है, तो ये मामूल बन गया है इदारों का, बिनखसूस सरजानी टाउन का। कोशिश करते हैं कि चलें एक तो ये इलाका से भी बात कर लें। ये हमारी इनको पता है ना ये, हाँ अस्सलाम वालेकुम, दो मिनट, इनको पता है प्लाट के बारे में हमारा, इनको जानते हैं अच्छी तरह से। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं, कब से रह रही हैं यहाँ पे? दो साल यहाँ रहती हुए, तो ये मकान जो है ये किसका है असल? ये मकान बेटा बना हुआ नहीं था, प्लॉट था यहाँ। हाँ, इसकी 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 किसने बिठाया, किसने बिठाया, किससे लिया तुमने? शालम से। शालम से कितने में पैसे में लिया? हाँ, कितने पैसे में लिया? साढ़े चार। उनको शालम ने बिठाया इधर? हाँ, वो तो तुमने खरीदा है। नहीं, वो कह रहे शालम नहीं होगा, शालम ने बिठाया। इसने कल मुझे बोला था कि शालम का प्लाट है ये, और मुझे शालम ने बैठाया है। ये अगर वो बिल्डरों ने जगह बेची है तो ये इसी बिना पे बेची है कि आप इसके ऊपर रिहाइश करो, आप लो और इसको बनाओ और उस पर रिहाइश कर लो आपके फ्लैट की, वो आपको जो है ना इस हिसाब से कोर्ट के अंदर हमें ऐसे ऐसे घर दिखाते हैं कि जिन्होंने बेचारों ने कपड़ों की झोपड़ियां बना के अपनी रिहाइश कर ली। ये जो बैठी हुई है ये नहीं देखे, क्योंकि ये लोग भी तो किसी से खरीदते हैं ना बेचारे, गरीब जैसे आप भी यहाँ रहते हैं, आप लोगों ने भी किसी से खरीदा होगा। ये एक तरीका असूल हो गया है कि आपने जगह ली है, साल अगर आपकी जगह पे कोई तवज्जो नहीं दी आपने तो आपकी जगह पे कोई और बना लेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, सुने तो वो कौन लोग हैं यार, बात वो आ जाती है, ये जितने भी ब्रोकर हैं ना ये सब ये चाहते ये हैं कि ये इलाका भर जाए, आबाद हो जाए। अब ये देखें, एक अगर LT के अंदर अगर 8 घर हैं, ठीक है, अगर इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है तो उसके साथ साथ जो है ना दूसरों ने जो लिए हुए ना उनके भी घर टूटते हैं। अगर ये अभी ऐसे खाली पड़ा हुआ था, अभी इधर LT आ जाती तो इनके साथ में जो 6 घर हैं ना उनको भी नुकसान था। तो इस बिना के ऊपर इनके साथ अगर कोई नाजायज हो रही है, ये दफ्तर वालों के पास गए होंगे, इनको प्लाट तो देंगे वो, बिल्कुल प्लाट के बदले में प्लाट मना नहीं किया होगा उन्होंने, ऐसे ही उनका सिर्फ और सिर्फ उनका ये है कि कहना कि आपने अगर लिया है आप इसको बनाओ, आप इस पर रिहाइश करो, आप इसके मालिक हो, आप अगर बोलते हैं अगर बनाने के लिए तो आप, अभी भी मुझे ये उम्मीद है। देखे मेरी बात सुने,
एक इंसान बड़ी मेहनत से कमाता है और मेहनत से कमाने के बाद जो है वो प्लाट के ऊपर जो है खरीदता है, खरीदने के बाद वो कोशिश करता है मैं थोड़े पैसे जमा करूं उसके बाद मैं मकान तामीर करूं। तो यहां तो ये सिलसिला है ना। अब इन्होंने जब एक साल पहले इन्होंने मकान लिया, इनको पता चला इनका मकान जो है कब्जा, ये मकान जो है ये मकान जो है वो किस तरह कब्जा हो जाता है कि एक इंसान पहले प्लाट खरीदता है, प्लाट खरीदने के बाद जो है वो फिर वो मकान के प्रोसेस पे जाता है। तो ये समझ में आने वाली बात नहीं, तो इसकी कोई मेंबरशिप होगी ना ये यहाँ के, जैसे सैफुल मरी जो बेच रहा है, जो भी बेच रहा है एक्स वाई जेड, तो वो इस चीज के जिम्मेदार होंगे ना, इस चीज के यार इधर कोई शालम या एक का नाम नहीं है, इधर 50 है बेचने वाले, किसके किसका नाम लोगे आप समझे। लेकिन असल बैठाया मेरे प्लाट पे जो बैठाया है शालम ने बैठाया, आपको शालम ने बैठाया, ठीक है, इसने इसको बैठाया, ये बनाया ये शालम ने, मेरे प्लाट पे जो बनाया इसने शालम ने बनाया। कल मैं आया था इनसे पूछा कि भाई ये क्या मसला है, तो उसने बोला भाई जो भी बात करना सालम से करो, हम ये मुझे इतना सालम ने बताया। आज आके देख रहे थे पूछे प्लाट उन्होंने कितना टाइम पहले लिया है, ये 1.5 साल बोल रहा हूँ, ये 1.5 साल, हाँ 1.5 साल पहले से ये इस जमीन को जो है ना हम कम से कम जो है ना ये 8 साल से खाली देख रहे हैं प्लाट, इसके ऊपर 8 साल से एक ब्लॉक भी नहीं लगा हुआ, सही है। अब इसके बिना के ऊपर अगर दूसरी एलटी आती है, अगर दूसरों के घर टूटते हैं तो जवाबदार आप हो, आपने खाली छोड़ा हुआ है ना, इनसे पूछ लेना इसकी वजह से होगा ना, खाली छोड़ा तो क्या मतलब कब्जा हो जाएगा क्या, कब्जा हो गया ना मेरे भाई, इधर जो ना मैंने आपको क्या बताया ये कोई ऐसी जगह नहीं है, पैसा लगा ये जगह है जैसे यहाँ पर जो प्लाट बेचते हैं जो वो कौन लोग के ब्रोकर है, शालम हो गए और दूसरा क्या नाम था उनका, नाम याद नहीं आ रहा, दो चार बंदे और हैं, बाकी मेन इनके शालम ही हैं जिनकी स्टेडे खुली हुई है, इनके अपने बंदे, तो यही लोग बेचते हैं। ये भाई है, कब्जा कौन कराता है यार, भैया इधर आओ, आप इधर आओ, आपका प्लाट कौन सा है, प्लाट नंबर बताओ, जा आ जाए नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं एक शख्स से और मुलाकात कराते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में, आपने किससे लिया प्लाट, कहाँ है, थोड़ी सी डिटेल दीजिए, बताओ ना। वालेकुम सलाम, आपका प्लाट कहाँ पर है, आई सी ब्लॉक में प्लॉट है, ठीक है, अब उसके ऊपर एलटी आ गई है, ठीक है, वहाँ पर चार दीवारी कर दी है 1000 गज की पूरी, तो अब हम फाइल ले लिए घूम रहे हैं हम भी कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसको बोलेंगे, हमारी भी यहाँ जगह थी, वो जिसने 1000 गज की जगह पे चार दीवारी करी है ना वो ऑनर अवेलेबल है ना कुछ है, हमारा प्लॉट 1 महीने तक खाली था, 1 महीने के अंदर अंदर अब वहाँ पूरी 1000 गज की, तो कौन लोग हैं जो कब्जा करते हैं, तो पता नहीं गरीबों के मकानों का, आपने भी किसी से खरीदा होगा, हमने तो जिससे खरीदा है उसने तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना के दिए कि ना आईसी है ना कुछ है ना कुछ, उसके अंदर ऑफिशियल कार्ड्स लगे हुए हैं, आ जाना इधर आओ भैया, की सोसाइटी की स्लिप लगी हुई है उसके अंदर, नाम वाला जरार नाम है बंदे का जिसने दिया था, जी नाज़रीन हम अक्सर और बेशतर जो है यही चीज़ कोशिश करते हैं अपने चैनल के तवसुत से कि हमारी जो गरीब आवाम की जो आवाज़ है वो इदारों तक पहुँचे, कोई शालम का नाम ले रहा है, कोई जिजार का नाम ले रहा है, कोई कुछ नाम ले रहा है, तो इदारों का फ़र्ज़ बनता है कि इनके खिलाफ़ फिलफोर कार्रवाई की जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ये जितने लोग हैं जो लोग आवाम से गरीब आवाम से पैसों से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके प्लाटों पे कब्जा कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।